बच्चों 3.3 एक्सरसाइज का सातवां क्वेश्चन जो कि थोड़ा अलग हटके है, उसका सॉल्यूशन मैं ब्लैक बोर्ड पर बता रहा हूँ। द कॉस्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ द सोप इज 2,35,465। ये एक दुकान है, उसकी ये कीमत है। द कॉस्ट ऑफ ए हाउस इज, एक मकान है जिसकी कीमत है 1,07,475 मोर देन द शॉप। जितनी दुकान की कीमत है उससे इतनी अधिक, इसका मतलब है दुकान की कीमत में जब इस कीमत को हम जोड़ देंगे तब हाउस की कीमत बनेगी। इस बात को आपको समझना है, फिर से सुनिए। द कॉस्ट ऑफ ए हाउस इज 1,07,475 मोर देन द शॉप। दुकान से इतनी अधिक कीमत है उस मकान की। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस, तो सबसे पहले तो आपको उस मकान की कीमत निकालनी है। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द सोप एंड द हाउस, दुकान और मकान की टोटल कीमत कितनी है। इस सवाल को आप पुनः पढ़ के ऐसे लगाइएगा आप इसको, द कॉस्ट ऑफ ए सोप, एक दुकान की कीमत दी हुई है, ये रुपयों में है, निशान लगाना है आपके ऐसे करके, रुपयों में है ये। द कॉस्ट ऑफ ए हाउस क्या कह रहा है कि 1,07,475 अधिक है दुकान की कीमत से। तो अधिक का मतलब है जब हम इन दोनों को टोटल कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ द हाउस आ जाएगी, तो आधा क्वेश्चन हल हो जाएगा। जब हमने इनको ऐड कर दिया तो हमने पाया 3,42,940 इज़ द कॉस्ट ऑफ ए हाउस, तो आधा आंसर आ जाता है। इसके बाद कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ शॉप एंड हाउस, दुकान और मकान की टोटल कीमत कितनी है। तो पुनः हम इस कीमत को दुकान की कीमत, इसकी दुकान के साथ फिर मकान की कीमत को जोड़ देंगे तो हमको टोटल ये जो 5,78,405 जो शॉप कीमत आई वो उसमें मकान भी शामिल है और दुकान भी शामिल है। तो ये शॉप की कीमत, ये हाउस की कीमत, ये दोनों की टोटल कॉस्ट है। इस तरीके से ये सेवेंथ सवाल थोड़ा सा सोचने का है, क्योंकि हाउस की जो कीमत दी हुई है वो डायरेक्ट नहीं दी हुई है। जैसे आप किसी दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं और कोई कीमत, किसी चीज़ की कीमत आपको 10 रुपये है, दुकानदार बताता है कि ये पेन 10 रुपये का है। फिर आप एक किताब लेते हैं, आप पूछते हैं किस किताब की कीमत कितनी है, तो वो कहता है कि पेन की कीमत से 20 रुपये अधिक, तो पेन था 10 रुपये का, उससे 20 जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और जब तक उसका आपको पूरा अर्थ ना निकल आए कि आखिर हमको करना क्या है, तब तक आपका लगाने में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 8 में क्या है, देर आर इतने डियर्स हैं एक जंगल में, एक रैबिट्स दिए हुए हैं एंड और अदर एनिमल्स दिए हुए हैं, आप इनका टोटल कर दीजिए। तो लिखिएगा कि द नंबर ऑफ डियर्स इतने इतने, द नंबर ऑफ रैबिट्स एंड अदर एनिमल्स, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, इनको ऐड कर दीजिएगा आप। 8, 9, 10, 11 भी उसी तरीके से है, 12 भी उसी तरीके से है और 13 भी उसी तरीके के। 14 सवाल और सातवां सवाल एक दूसरे से मैच खाता है, मैं उसको बता रहा हूँ। 1,25,457 गर्ल्स विजिटेड ए ट्रेड एक्सीबिशन, एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, एक मेला लगा हुआ था, उसमें इतने लोग गए, गर्ल्स थी, कितनी गर्ल्स, 1,25,457 इतनी गर्ल्स गई। इफ़ द बॉयज विजिटिंग एग्जीबिशन वेयर 1,10,495 मोर देन द गर्ल्स, बिल्कुल 7th सवाल वही है कि दुकान की कीमत थी, फिर मकान की कीमत डायरेक्ट ना दे करके उसने कहा था कि मकान की कीमत इतनी अधिक है उस दुकान की कीमत से,
तो आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ भी ऐसे करना होगा कि गर्ल्स की गर्ल नंबर ऑफ़ गर्ल्स दिए हुए हैं, फिर आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालने के लिए नंबर ऑफ़ गर्ल्स में ये संख्या को ऐड करना होगा, फिर टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स निकलेंगे। तो 7th और 14th सेम सवाल है, 15 भी देखिए, द डिफरेंसेस ऑफ टू नंबर इज़ 1,25,943। इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ 1,55,279, देन फाइंड द लार्ज नंबर्स। तो आप क्या करें कि डिफरेंसेस ऑफ टू नंबर्स लिखें, दो नंबरों का अंतर इतना है, स्मॉलर नंबर ये है, तो ग्रेटर नंबर क्या होगा, आपको इसमें से इसको घटाना है, लिख करके बताना है। तो इस तरीके से आप 15 नंबर्स की एक्सरसाइज को करें, लिख करके करें, अच्छी तरह करें, भले ही एक्सरसाइज आपकी 1 या 2 दिन में लगे, लेकिन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से लगाएं। जब तक ये एक्सरसाइज पूर्ण नहीं होगी, मैं अगला चैप्टर अभी फ़िलहाल शुरू नहीं करूँगा। थैंक यू।